बलुहा निवासी व्यक्ति ने सुबह सवेरे इकौना थाने पर पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के बलुहा निवासी सुखलाल गौतम ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया कि विपक्षी का घर उसके आमने सामने है। 3 दिन पूर्व उक्त विपक्षी पीड़ित का चप्पल उठाए लिया जा रहा था, तभी उसकी नींद खुल गई जिसको उसे पकड़ लिया, जिसके बाद से ही खुन्नस खाकर वो उसे जान से मारने की धमकी देता है तथा परिवार में लोगों से गाली गलौज करता है, जिससे तंग आकर पीड़ित ने इकौना थाने में पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। मध्यनगर काशीराम आवास निवासी महिला ने इकौना थाने में पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध तहरीर देकर मारपीट का लगाया आरोप। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के मध्यनगर काशीराम आवास निवासी सबाना पत्नी सद्दाम ने अपने पति के साथ इकौना थाने पर पहुंचकर विपक्षियों के विरुद्ध तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। महिला ने बताया कि उसके व उसके पति के साथ मारपीट की गई, जिससे पति के कपड़े तक फाड़ डाले गए। इकौना इलाके के मध्यनगर काशीराम आवास का मामला, जहां की निवासी महिला ने अपने पति के साथ इकौना थाने में पहुंचकर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पूर्व सपा विधायक रमजान शाही ने इकौना के बंदरहवा में पहुंचकर जनता से किया जनसंपर्क। सावसी जनपद के इकौना इलाके के बंदरहवा की यह तस्वीर, जहां पर पूर्व सपा के विधायक मोहम्मद हाजी रमजान ने पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए 2022 चुनाव के लिए बातचीत की। इस दौरान सपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इकौना इलाके के भंभरी भगवानपुर में पहुंचकर महिला पुलिसकर्मियों ने ग्रामीण महिलाओं को मिशन शक्ति के बारे में किया जागरूक, तमाम तरह की दी जानकारी। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के भंभरी भगवानपुर की ये तस्वीरें, जहां पर पहुंचकर महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं तथा नंबरों के बारे में जानकारी दी। इकौना इलाके के भंभरी भगवानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर महिला पुलिसकर्मी अर्चना शर्मा व पूजा सिंह ने महिलाओं को जागरूक किया। इस दौरान उपनिरीक्षक अमित सिंह, कांस्टेबल अनुज यादव, अरविंद यादव आदि लोग भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में ग्रामीण महिलाओं, बच्चियों तथा किशोरी व युवतियों को जागरूक किया गया और उन्हें तरह तरह की जानकारी देते हुए किसी भी प्रकार की समस्या होने पर किन नंबरों पर संपर्क करना है, जिससे उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाए, ऐसे तमाम जानकारी दी गई जो उनके लिए हितकर हो सके। इकौना इलाके के भमरी भगवानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पहुंचकर महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को जागरूक किया और मिशन शक्ति के बारे में तमाम तरह की जानकारी दी। कोविड सर्वे के लिए इकौना कस्बे में निकली टीम लोगों के घरों व दुकानों पर जाकर ली जा रही विभिन्न जानकारी। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इकौना कस्बे में कोविड सर्वे के लिए महिलाओं की टीम निकली हुई है। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती महिलाओं को लगाया गया है, जिन्हें एक दिन में 50 से अधिक घरों में जाकर लोगों से जानकारी लेनी होती है कि किन लोगों को कोविड-19 का टीका लगा, कौन लोग बचे हैं जिन्हें अभी तक टीकाकरण नहीं किया गया है। साथ ही अन्य तरह की भी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एकत्र कर रही हैं, जो स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई जा रही हैं। आपको बता दें, विभिन्न रोगों के चलते इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक की तरफ से महिला कर्मियों को लगाया गया है, जो घर घर जाकर जानकारी एकत्र करते हुए सर्वे के कार्य में जुटी हुई हैं और एक दिन में कई दर्जन घरों में पहुंचकर वहां से जानकारी जुटाने में दीपमाला और सुमन की टीम जुटी हुई है, जो जानकारी ले रही है। रामोपुरवा निवासी व्यक्ति ने इकौना थाने पर पहुंचकर विपक्षी के विरुद्ध फसल चराने का लगाया आरोप। मना करने पर गाली गलौज और मारपीट की धमकी की कही बात। थाना क्षेत्र इकौना इलाके के रामोपुरवा निवासी मालिक राम यादव पुत्र छोटे लाल यादव ने इकौना थाने पर पहुंचकर बताया कि विपक्षी दर्जनों गाय पाले हुए है, जिसे दुहने के बाद वो खेतों में छोड़ देता है और जब उसका विरोध किया जाता है तो मारपीट पर आमादा होता है। कहाँ घर है? रामोपुरवा। क्या दिक्कत है सर? कि हमारे धान और बारी रोकी थे जब, तो हमारे ऊपर लाठी डंडा उठा था, गाली दिखा दी। आपकी बारी में क्या होता है, गाय चराते हैं क्या? गाय चराते। कितने गाय हैं? उनके पास 22 जानवर। 22 जानवर। रात को छोड़ देते हैं? रात में छोड़ देते हैं, दिन में भी छोड़ देते हैं। मना करते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है? मना करते हैं तो गाली दिखा ली देते हैं और एप्लीकेशन डालते हैं, मियाँ डालते हैं और डंडा डालते हैं। काशीराम आवास मध्यनगर मनोहरपुर के महिलाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध दी थी तहरीर। दोनों पक्षों ने किया सुलह समझौता।
पुलिस को दिया सुलहनामा। थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के काशीराम आवास मध्यनगर मनोहरपुर में रहने वाले दो महिलाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज आदि मुद्दों को लेकर तहरीर दी थी, जिस मामले में लोगों के समझाने बुझाने के बाद दोनों पक्षों ने आपसी सुलह समझौता कर लिया और पुलिस को सुलहनामा देते हुए कहा कि अब वो पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, भविष्य में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज नहीं करेंगे।